सो हे गाइस, गुड इवनिंग। सो स्टार्ट करते हैं नया ब्लॉग, और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इवनिंग में। मोस्टली इस टाइम पे हमारे ब्लॉग ख़त्म होते हैं, और इस टाइम पे मैंने आज किया है ब्लॉग स्टार्ट। उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे मिलने वाला है एक सरप्राइज़, और मुझे वो सरप्राइज़ के बारे में पता चल गया। और ये सरप्राइज़ है, गणेश आने वाला है भोपाल, क्योंकि मेरे शॉप का एनिवर्सरी है, तो वो मुझे देने वाला है सरप्राइज़। बट अभी कॉल आया है, मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ महेश सर का, और महेश सर ने बताया है कि गणेश भोपाल आ रहा है और तू ब्लॉग स्टार्ट कर दे, और उस ब्लॉग में वो जो सरप्राइज़ देने वाला है उस सरप्राइज़ को ऐसा रिप्रेजेंट कर जैसा मैंने किया था। महेश सर ने मेरे साथ ऐसे ही किया था। मैं यहाँ से गया था मुंबई, और मुझे लगा था कि मैं महेश सर को सरप्राइज़ देने वाला हूँ, सर खुश हो जाएंगे। बट गणेश ने सर को बता दिया था कि मैं भोपाल से निकल गया हूँ मुंबई के लिए, और मैं जब वहाँ गया तो मेरा ही ऑलरेडी ब्लॉग चल रहा था, आपने शायद देखा भी होगा। सो अभी फ़िलहाल मैंने जो ब्लॉग स्टार्ट किया उसमें गणेश मुझे सरप्राइज़ देने वाला है, उसको ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअल में हो ये रहा है मैं उसे सरप्राइज़ देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उसकी हो गई है इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन दी है मुझे महेश सर ने, और उन्होंने कहा है कि ये बताना मत अभी फ़िलहाल तो गणेश को। तो अभी यहाँ से हम लोग घर जाते हैं, और उसके बाद मॉर्निंग में ही मिलेंगे, देखते हैं गणेश कितने बजे आएगा। सो गाइस, फाइनली आ चुका हूँ मैं घर, और नाइट हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया हूँ। सो फिलहाल तो अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से मैं घर जाता हूँ। मॉर्निंग में देखते हैं गणेश का क्या प्लान है, अभी तक तो मुझे भी कंफर्म नहीं पता वो आ भी रहा है कि नहीं, अभी तो सिर्फ सर का कॉल आया है, तो ये सरप्राइज़ है। सो फिलहाल थोड़ा रेस्ट करता हूँ, और बाकी जो भी रहेगा तो अक्की मुझे इन्फॉर्म कर देगा, वरना यहाँ से स्टूडियो जाएंगे, और स्टूडियो पर मिलते हैं। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। सो मैं और आयुष भाई हम दोनों निकले हैं मार्केट, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज स्टूडियो का थोड़ा सा करना है परचेसिंग, तो हम दोनों का प्लान बना है कि क्यों ना हम दोनों निकल जाएं। स्टूडियो में काम थोड़ा कम है, और जो टैटूज थे वो हो चुके हैं फाइनली कंप्लीट, और जो बचे हुए टैटू हैं वो रेमो कर देगा कंप्लीट है। और हमारा प्लान बना है, मैं आयुष भाई को कब से बोल रहा हूँ कि आयुष भाई एक चेयर खरीद लेते हैं स्टूडियो के लिए, जिस पर मैं बैठता हूँ, थोड़ा टैटू नेटवर्क के मालिक जैसा फील आए, इसको बोल बोल के थक जाओ, लेकिन बोलता है खर्चा कम करो खर्चा कम करो। लेकिन आज फाइनली हम लोग निकले हैं, तो हम लोग एक चेयर ले लेंगे स्टूडियो में, जो कि जिसपे रिसेप्शन पे बैठने के लिए। तो यहाँ से कुछ प्रोडक्ट भी खरीदना है, और चेयर भी लेना है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो यहाँ से हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। तो गए थे बुरहानपुर जलेबी, जिसमें आयुष भाई ने ले लिया स्टूडियो के सभी मेंबरों के लिए जलेबी, तो यहाँ भी खा जाऊंगा, आधी खाएगा ये, और बाकी के बचे ये जो है वो बच्चे लोगों के लिए। तो गाइस हम लोग आए हैं सिटी, ये भोपाल का सबसे क्राउडेड एरिया है, 12 में से किसी भी टाइम पे आ जाओ यहाँ पे भीड़ हमेशा मिलेगी, इसलिए इसको गाड़ी चलाने देता हूँ मैं यहाँ पे, ये राइडर है ना भोपाल का। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट, और आधी परचेसिंग हमने कर ली, और यहाँ पे आए हम लोग कुछ स्टूडियो को डेकोरेट करने के लिए सामान लेने, क्योंकि 16 तारीख को एनिवर्सरी है, और मुझे पता चल गया था कि गणेश आ गया है भोपाल, बट मैंने ना अभी तक घर पे बताया है, और ना ही मैंने किसी से अभी बताया कि गणेश आ गया। महेश सर के थ्रू पता चल गया है कि वो आज ही आ गया। महेश सर ने कल रात में कॉल किया था, सरप्राइज दे रहा है, और उसका सरप्राइज उसी को पड़ने वाला है, क्योंकि उसका सरप्राइज हो चुका है खुद सी वो, क्योंकि ये हमें पता चल गया। तो यहाँ से मार्केट करते हैं, और उसके बाद जाते हैं स्टूडियो, शायद हमें वो स्टूडियो पर ही मिलेगा। तो गाइस फाइनली मार्केट आधा कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं चेयर के शॉप पे, और चेयर के शॉप के भैया हैं हमारे ओनर, ये इनकी शॉप पे हम जितनी बार आए हैं भैया फाइनल रेट बताते हैं, प्राइस कम नहीं करते यार। आयुष भाई कुछ कर जरा, भैया को चाय पानी पिला जरा, जरा रेट कम कर, और हमने फाइनल करी है ये वाली चेयर। भैया बता रहे हैं ये वाली चेयर है बोस चेयर, तो मैं थोड़ा बोस वाला फील आएगा, बोस का बजट नहीं है, बोस वाली वो वाली है, और वो बहुत महंगी है, बट मेरे बजट में ये वाली आएगी। आयुष काम कर, डर रहा है बहुत सुना मैं, करेगा काम करेगा। तो अभी देखते हैं भैया कुछ भैया कुछ प्राइस अगर कम कर लें तो हम लोग ये चेयर भी ले लेंगे। वो बहुत महंगा है आयुष भाई, बजट के बाहर जाएगा। और अक्की भाई गया है गणेश भाई को लेने, उसको लग रहा है वो सरप्राइज दे रहा है, लेकिन उसको क्या पता यहाँ सरप्राइज हमारे कुछ अलग प्लान हो रहा है। सो गाइस फाइनली ले ली हमने चेयर, और चेयर का नाम है बोस चेयर, जिस पे बैठा हमारा बोस बॉस बैठा है भाई, कंसल्टिंग करता है भाई, टैटू भी करता है भाई, सोशल मीडिया भी संभालता है भाई, बॉस ही बस हिसाब मुझे देता है।
सॉरी भाई सॉरी। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग स्टूडियो और यहाँ पे चल रहा है सभी का कुछ ना कुछ काम धाम। निक भाई बैठ जरा, बैठ के बता जरा, तू सेठ दिख रहा है कि गरीब? सेठ जैसा कोई फील नहीं आ रहा निक बैठने पे। देखो आयुष भाई बैठेगा, आयुष भाई सेठ दिख रहा है कि नहीं? नहीं ये सेठ दिख रहा है, सेठ दिख रहा है। नहीं 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 गरीबों की एंट्री नहीं है यहाँ पे। नहीं मार्शल टूट जाएगी भाई, टूट जाएगी। नेमा भैया ये बताइए गणेश आया कि नहीं? एक गणेश को लग रहा है वो मुझे सरप्राइज देगा, उसको देखता हूँ वो सरप्राइज देगा या मैं। सो गाइस फाइनली मैं स्टूडियो आ गया हूँ और चेयर भी लग चुकी है जिस पे हम वेट कर रहे हैं हमारे स्टार के आने का। यहाँ पे मेरे सोल्जर हो चुके हैं तैयार और यहाँ पे चल रहा है वन मोर टैटू जो बना रहे हैं हमारे रेमो भाई, जो है हमारे सर का टैटू। सर क्या नाम है आपका? स्वतंत्र। नाम है, क्या करते हैं सर आप? MBA कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज टैटू बनाने का कोई खास रीजन सर? फॉलो आपको बहुत पहले से कर रहा हूँ। अरे क्या बात है, रिवर्स है। अच्छा प्रॉपर रिवर्स है, आज आपने फाइनली बनवाई लिया, बढ़िया है सर, बढ़िया है। फॉलो कर रहा हूँ 3-4 महीनों से। अरे थैंक यू सो मच सर। और टैटू बना वीडियो देखता हूँ, हर वीडियो लाइक कमेंट। अरे क्या बात है, तो सर का टैटू बन रहा है और यहाँ पे आ गया हमारा अक्की भाई। फाइनली ऐसा सीन हो चुका है मेरे साथ, गलत किया लोगों ने, क्योंकि जो मेरा भाई है महेश चौहान ने, मैं जयप्रकाश को सरप्राइज देने जा रहा था, मेरे साथ ये लोग ने सब लोग गलत किए। महेश सर ने जयप्रकाश को रात को कॉल करके बोला गणेश आ रहा है और इसका प्रैंक कर, इसको ब्लॉक कर, ठीक है जो भी, ठीक है सरप्राइज, ठीक है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और कुछ नहीं। अच्छा लगा मिलके और सबसे अच्छा लगा सबका प्यार है ऐसा। और जयप्रकाश भाई ठीक है, अच्छा चला बाकी। तू किधर गया था कभी से कॉल कर दे? मैं तेरे लिए तो ये पॉकेट पटाखा ये सब लेने गया था। अरे भाई ये सब नहीं चाहूंगा, पटाखा रियल पटाखा फोड़ने चाहिए तेरे को। आग लगा दूंगा भोपाल में। नहीं अभी मत लगा, देख कमाने का कमाने। आपको पता होगा मैंने सरप्राइज दिया और सरप्राइज जो जयप्रकाश वो भारी पड़ गया। सीन ऐसा हो गया, अभी बज चुके 11:30 और शॉप बंद कर दिए। अभी कुछ घर पे खाना भी ना खाऊंगा, सबरे से भूख भी लगी मेरे के, मम्मी ने कुछ खाना दिया, खाना तो खराब हो गया, और घर पे खाना खा के सो जाऊंगा। और गाइस इधर इतना एक बात बोलो, इधर इतना भोपाल में इतना ठंडी है ना, ठंडी के सब लोग इतना जैकेट पहने, सब जैकेट पहने हैं लोग। देखो मैंने जैकेट नहीं पहना था क्या? मुंबई का लड़का हूँ ना, जैकेट क्या पहनना चाहिए? अब मुस्ताज का लड़का, मुस्ताज मैच का लड़का हूँ। ठीक है और बाकी नंबर लेकिन आया तो मजा आ गया भाई। स्टूडियो की एनिवर्सरी है और उस टाइम पर अपन धमाल करने वाले, धमाल कमाल करेंगे, कमाल करेंगे, कमाएंगे और इसके बाद चार फाइनल जाएंगे। फोर व्हीलर का अपना भाई का फोर व्हीलर देखो उधर है, और फोर व्हीलर बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसा, कम से कम मत जब समझो, गरीब 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 सबके करोड़ों में कमाता ये। करोड़ों में कमाता है। अभी घर पे आएंगे खाना खा के, इसके बाद मिलते हैं और वीडियो इधर एंड करना है। वीडियो एंड कर दे भाई, आ जा वीडियो एंड कर दे भाई। वीडियो एंड में क्या बोलते, बोल क्या नहीं? अरे भाई ओके गाइस फाइनली यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड हमारे सब्सक्राइब करो और मेरा भाई को प्यार तो दे दो, जयप्रकाश को। बेचारा 10 लाख कब से हो रहा है, आज होगा कल होगा, 10 लाख 1 लाख हो गया, उसमें 1 मिलियन हो गया। तो मेरा भाई को प्यार दे दो, मेरे लिए थोड़ा सा एक प्यार दे दो, 2000 लाइक कर दो। गरीब तो चेहरा देखो, गरीब का चेहरा देखो। चलो मिलते हैं।